दोस्तों, इस वीडियो में आपको पीएफ ट्रांसफर करने का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने भी मल्टीपल कंपनी में काम किया है, जैसे कि दो कंपनी, तीन कंपनी या फिर इससे ज्यादा कंपनी में आपने काम किया है, तो जो भी आपका पुराना कंपनी होता है उसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है, पेंशन का पैसा होता है, साथ साथ जो भी आपका सर्विसेज होता है, उससे आपको नया कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होता है, ताकि भविष्य में जब भी अपना नया कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करें या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें, तो दोनों कंपनी का जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है या फिर पेंशन का पैसा होता है वो एक साथ ही निकासी हो सके, उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर करना होता है। और ईपीएफओ के नियमानुसार तो आपको पीएफ ट्रांसफर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से खुद से अपना पीएफ को लॉगिन करके पीएफ ट्रांसफर किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है योन लॉग इन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा, इम्प्लॉय प्रोफाइल फॉर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है ईपीएफओ का, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, इस अलर्ट के ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज खुलकर आ जाता है। अब आपको यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है, देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है, देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा, जो भी ओटीपी होता है वो 6 डिजिट का होता है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप करना है, देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को आपको क्रॉस करना होगा, उसके लिए ऊपर देखिए क्रॉस का आइकन है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर नीचे देखिए लेटर का ऑप्शन है तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सर्विसेज से एक बार आपको चेकआउट कर लेना है, आपने कितना कंपनी में काम किया, आपका कंपनी का मेंबर आईडी वगैरह क्या है, क्या उसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट वगैरह मेंशन है या नहीं। उसे चेकआउट करने के लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू का, तो आपको व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने तीन कंपनी में काम किया हूँ, तो तीन मेंबर आईडी और यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम वगैरह होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे तीन कंपनी है, तीन कंपनी में जो फर्स्ट टू है देखिए वन और टू, ये मेरा पुराना कंपनी है। ठीक है, देख सकते हैं पुराना कंपनी नजर आता होगा, जबकि नीचे वाला जो तीसरा नंबर है ये मेरा नया कंपनी है। ठीक है, पुराना कंपनी का पैसा ही मुझे यहाँ पे नया कंपनी में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डॉट होता है आपके मन में, क्या यहाँ पे मुझे वन बाय वन करके ट्रांसफर करना होगा या तो फिर एक साथ ही में दोनों कंपनी के यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको वन बाय वन करके आपको ट्रांसफर करना होगा, जो पहला कंपनी है इसका पैसा आपको तीसरा में ट्रांसफर करना होगा, देन उसके बाद जो दूसरा कंपनी है उसका पैसा आपको यहाँ पे तीसरा में आपको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा जैसे कि पहला कंपनी का पैसा ही है आप दूसरा में ट्रांसफर कीजिएगा, उसके बाद अब दूसरा कंपनी के पैसा आप तीसरा कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हो तो जाएगा, ट्रांसफर तो आपको हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लंबा टाइम आपका लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पहला पैसा दूसरा में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे टाइम लगेगा, फिर दूसरा का पैसा तीसरा में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली पहला कंपनी का पैसा आप यहाँ पे जो आपका नया कंपनी होगा, जैसे मेरा तीसरा है इसमें मैं ट्रांसफर करूंगा, देन दूसरा का जो पैसा है वो भी यहाँ पे मैं तीसरा में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, वन बाय वन करके आपको लेटेस्ट कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। ट्रांसफर करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान देना है, जो भी आपका पुराना कंपनी है उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं दो कंपनी यहाँ पे नजर आता होगा और दोनों में यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जिस्ट आपका मेंशन होना चाहिए तभी आपका ट्रांसफर होगा। डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन आपका पुराना कंपनी में होना चाहिए तभी होता है, अदरवाइज अगर आपका नया कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं नया कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं है, जबकि पुराना कंपनी में है, तो पुराना कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इतना को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ से स्टेप शुरू होता है, मेरे लिए तीन स्टेप में काम करेगा। पहला स्टेप में जिस भी कंपनी का पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं नया कंपनी में,
उसका मेंबर आईडी यहाँ पे कॉपी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं पहला ही कंपनी का पैसा नया कंपनी में तीसरा कंपनी में मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो जो मेरा पहला कंपनी है उसका मेंबर आईडी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा या फिर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर। उसके बाद दूसरा स्टेप में यहाँ पे फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, उसके ऊपर मैं नजर आता हूँ ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो ट्रांसफर करने का जो फॉर्म होता है जहां पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होता है वो पेज यहां पे खुलकर आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जो भी आपका नाम वगैरह मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह पैन कार्ड नंबर वगैरह होता है बैंक अकाउंट नंबर वगैरह होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी है जिसमें पैसा आपका ट्रांसफर होने वाला है, पुराना कंपनी का पैसा नया कंपनी में, उसका मेंबर आईडी यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंबर आईडी के साथ कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। इसी जो भी आपका मेंबर आईडी है जो भी आपका कंपनी है प्रेजेंट कंपनी उसी में आपका पैसा ट्रांसफर होगा जो यहाँ पे डिटेल आपके पास शो होता होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे दूसरा स्टेप आपका चालू होता है। तो दूसरा स्टेप में सबसे पहले यहाँ पे नजर आता होगा ऊपर में अटेंशन थ्रू। अटेंशन थ्रू का मतलब होता है जो भी यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर कर रहे हैं वो सबसे पहले जो आपका रिक्वेस्ट होता है वो आपका कंपनी के पास जाता है। तो कौन सा कंपनी के पास अपना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, पुराना कंपनी के पास या फिर नया कंपनी के पास? अगर आप पुराना कंपनी के पास भेजना चाहते हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर का आपको सेलेक्ट करना होगा, या तो फिर अगर आप नया कंपनी से ही करवाना चाहते हैं उसके पास से रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको प्रीफर करूंगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ही आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट कंपनी है उसमें आप काम कर रहे हैं, आप उसमें नया मेंबर है तो आपको जल्द से जल्द आपको कर देगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने मेंबर आईडी कॉपी वगैरह किया था उसे यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नजर आता है गेट डिटेल, तो आपको गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पुराना कंपनी होता है उसका डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपका नाम हो गया, मेंबर आईडी वगैरह, पुराने कंपनी के नाम वगैरह, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पर आना चाहिए पुराने कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है यहाँ पे यूएन नंबर आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में देखिए एक बॉक्स नजर आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, देन यहाँ पे नीचे भी आपका सेलेक्ट हो जाता है। ये तो रहा आपका दूसरा स्टेप, जो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप में आपको आधार से ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए सबसे पहले इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, ये फाइनल स्टेप है, तीसरा स्टेप है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, देन आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिएगा, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहां से आपका सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहां पर नीचे देखिए नजर आता होगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब यहां पे आपको स्टेटस वगैरह भी चेकआउट करना होता है, तो यहीं पे देखने जाए तो स्टेटस कैन बी ट्रैक फ्रॉम, और यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, उसी के नीचे सबसे पहले सीरियल नंबर वन, उसके बाद ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर जनरेट होता है वो यहाँ पर नंबर नजर आता होगा। देन यहाँ पे जो भी आपका पुराना कंपनी होता है, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होता है जिसका पैसा नया कंपनी में ट्रांसफर होने वाला है, तो पुराना मेंबर आईडी यहाँ पे शो होता है। जो भी आपका नया मेंबर आईडी होता है, जो प्रेजेंट कंपनी होता है उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो होता है। तो ये जो पुराना कंपनी है इसका पैसा ही आपको नया कंपनी में ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया वो सबसे पहले आपका कंपनी के पास गया है, जो भी वहां पर आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि प्रेजेंट कंपनी सेलेक्ट किया होगा प्रेजेंट कंपनी के पास जाएगा, अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया होगा तो फिर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जाएगा। जैसे कि मैंने प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया है तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर यहाँ पर नजर आता होगा और उसका नाम यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर किए हैं तो बेसिकली फॉर्म 13 भरा आता है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ फाइल आ जाएगा, उसे डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी भी आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दी हूँ। चलिए अब जो आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप सबमिट किए हैं कहाँ कहाँ से कितना स्टेप में अप्रूव होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये दो स्टेप दो जगह से अप्रूव होता है। सबसे पहले तो आपका कंपनी जगह जाएगा, जैसे कि अभी दैट टाइम पे तो आपका कंपनी के पास चला गया है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ कंपनी उसका नाम यहाँ पे शो हो जाता है, इसी कंपनी के पास सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट जाएगा। उसके बाद जो भी आपका कंपनी होता है वो आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा। देन फाइनल अप्रूवल के लिए जो भी आपका रीजनल पीएफ ऑफिस होता है वहां पर जाएगा, उसके बाद वहां पर जो फील्ड ऑफिसर होता है वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फाइनली अगर वेरीफाई कर देते हैं तो फाइनली जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा था, साथ साथ जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री है वो आपका नया कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। पेंशन का जो पैसा है वो आपका पुराना कंपनी के पासबुक में ही शो होगा, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं, केवल उस पासबुक में शो होगा। लेकिन जब भी अपना नया कंपनी में भविष्य में कभी भी डेट ऑफ एग्जिस्ट डाल करके पीएफ का पूरा पैसा या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी कीजिएगा, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा या फिर पेंशन का पैसा होता है वो एक साथ ही निकासी हो जाएगा। पेंशन का पैसा दोनों कंपनी से एक साथ ही निकासी हो जाएगा।
ठीक है, पीएफ का आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो इससे तो ऑलरेडी निकासी हो जाएगा। देन जो आपका पेंशन का पैसा होता है वो पुराना वाला भी निकल जाएगा एक साथ और नया वाला भी एक साथ आपका निकासी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको पीएफ ट्रांसफर कर लेना, जैसे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे टाइम की बात करता हूँ, तो कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, आपका कंपनी जितना जल्दी आपका अप्रूव करेगा उतना ही जल्दी आपका पीएफ ऑफिस हो जाएगा। तो टोटली डिपेंड पड़ जा रहा है आपका कंपनी पे, आपका एक बार कंपनी से बात कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी जल्दी अप्रूव कर दे, तो तुरंत अप्रूव कर देगा, तो आपका 10 से 15 दिन में आपका हो जाएगा। लेकिन ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 15 से 20 दिन भी यहाँ पे समय लग जाता है अगर आपका कंपनी जल्दी से अप्रूव नहीं करता है तो एक बार अपना कंपनी से बात कर लीजिएगा। तो आशा करते हो वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन में या फिर कोई भी दिक्कत आता होगा पीएफ ट्रांसफर करते समय, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको 100% हेल्प करूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।